बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हजरतगंज लखनऊ के चर्च में लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस का पर्व गुलजार तरीके से लोगों द्वारा मनाया गया। पर्व के दौरान हजरतगंज चर्च में कोरोना का डर जरूर था, मगर दिल खोलकर लोगों का सैलाब भी हजरतगंज चर्च में देखने को मिला। एक दूसरे के बीच लोग अपनी सेल्फी लेने के साथ कहीं कहीं सेंटा बने बच्चे चर्च में पर्व को और गुलजार बनाने में लगे रहे। लखनऊ की सड़कों पर इस पर्व के दौरान चारों तरफ से पुलिस द्वारा बैरिकेड करने के साथ पुख्ता इंतजाम भी किए गए। नवबारा समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। ये बताओ कि तुम लोग आज यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब कैसा, कितना अच्छा लग रहा है? और अभी क्या कहते, इससे पहले घूमने गए थे या पहली बार यहीं पे आ रहे हो इतने दिन के बाद? अच्छा, और बेटा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना अच्छा? हाँ। इतना। और आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम कुछ बोलना चाहते थे? कैसा लग रहा है खुले में एकदम? यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आगे एक अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत ही शांति वाली फीलिंग आती है। बहुत ही कलरफुल लोग भी आते हैं, जिन्होंने कोरोना का पूरा ख्याल रखा हुआ है, सैनिटाइज करें, हमारे पुलिस कर्मचारी भी लोग प्रॉब्लम ना हो, और सैनिटाइजर भी है, लोग हो रहा है उससे, लोग बड़े ही लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लखनऊ के अलावा और कहीं किसी चर्च में पहले जाना हुआ? नहीं। लॉकडाउन के बाद आप खुले में क्या लग रहा है, कोरोना का भय लग रहा है कि नहीं? लग रहा है काफी ज्यादा। तो डर के चलते क्या मास्क लगाई है? हाँ। अच्छा, कोरोना महामारी का दौर भी सामने आया है, तो ऐसे में क्या फील कर रहे हैं? सबको सोशल डिस्टेंसिंग को मास्क लगा के रखना चाहिए और सबको एंजॉय भी करना चाहिए पूरी तरीके से, ताकि कोई सेलिब्रेशन ना रोक पाए। और यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं। डर नहीं लग रहा अब? डर तो है ही, तभी तो मास्क लगा के रखा है प्रोटेक्शन के साथ, और गेट पे जैसे कि आपने देखा कि सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है चर्च में आके? कैसा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग काफी टाइम बाहर निकले हैं, बाहर जैसे कि हम सब घर ही तो नहीं है। अब कोरोना का कोई भय तो नहीं है सामने? जी भय बिल्कुल है, जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा है कि उसका दूसरा स्ट्रेन आ गया है, तो ऐसे में क्या आज चर्च के मतलब यहाँ घूमने आई हैं? और भी कहाँ कहाँ आपका सबका जाना हुआ? नहीं, बस हम लोग यहीं पे चर्च ही घूमने आए हैं। तो मतलब आप डर नहीं है, एक भय खत्म हो गया? नहीं, डर तो है। अच्छा, डर है। क्रिसमस डे है और यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है, इतने दिन के बाद कोरोना इफेक्ट के बावजूद भी लोग आए हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग यहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे काफ़ी चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो नहीं है, ऐसे में कोरोना महामारी का भी कोई खौफ नहीं रहा? नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, हम लोग तो सैनिटाइजर लेके भी चलते हैं, हम लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, पूरा सावधानी हम लोग बरत रहे हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी इन्फेक्टेड ना हो। और बाकी हमें इस बात की खुशी है ना कि आज लोग इतनी चहल पहल है, यहाँ पे इतनी भीड़ है, रंग बिरंगी सारी चीज़ें, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसा इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे कर रखे हैं सरकार ने, कोई भी इंसान बिना लाइन के, बिना किसी भी चीज़ के नहीं जा रहा है। पुलिस हर जगह खड़ी हुई है, अभी आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे भी पुलिस वहाँ खड़ी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत दिन के बाद, कोरोना के बाद मैं यहाँ इतने क्राउड में आई हूँ, मतलब लग रहा है कि आप खुल के जी रहे हैं। और क्रिसमस की वजह से यहाँ पे इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, कलरफुल चीज़ें और कैंडल्स, जीसस ने इतनी अच्छी चीज़ें कर रखी यहाँ पे, मतलब इतनी दिन के बाद अब लग रहा है कि थोड़ा सा कोरोना कम हो जाएगा। सिक्योरिटी है, क्योंकि देखिए योगी जी की सरकार है तो सिक्योरिटी है, और बाकी सारी चीज़ें लोग यहाँ पे हर चीज़ का पालन कर रहे हैं। मतलब अगर सेल्फी लेनी है तो मास्क हटा रहे हैं, जैसे कि मैंने भी हटाया अभी, क्योंकि आपको मैं वीडियो में बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम सेल्फी नहीं ले रहे उसके बाद हम तुरंत मास्क चढ़ा भी रहे हैं।